अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। प्रदेश में योगी सरकार की तमाम सख्तियों के बाद भी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 तलाक पर रोक लगाने के बावजूद भी मामले कम तो हो गए हैं, लेकिन थम नहीं रहे हैं। दहेज मांगने वालों के लिए सख्त कानून है, फिर भी ससुराली महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। आज भी कुछ व्यक्ति शराब पीकर औरत को पैर की जूती समझते हैं, इतना ही नहीं उन्हें बेरहमी से मारते पीटते भी हैं। मेरठ में एक ही दिन में इन अत्याचारों से परेशान कई महिलाएं इंसाफ के लिए SSP ऑफिस पहुंची। सबसे पहले जिक्र करते हैं करिश्मा का, जिसकी 1.5 माह पहले ही दूसरी शादी हुई है, लेकिन दहेज की मांग के चलते ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया। सुनिए करिश्मा की आप बीती। यहाँ पर आई हुई मामला भी 1.5 महीने पहले मेरी शादी हुई है। एक लड़का है हमारे मोहल्ले का, उन्होंने अपनी मर्जी से और उनके घर वाले की मर्जी से मेरी शादी हुई है। मेरे पास था प्रूफ है शादी का, मुझे और मेरी बेटी को उन्होंने स्वीकार करा पूरे मोहल्ले के सामने। अभी 1.5 महीना शादी को हो गया, उन्होंने मेरी गाड़ी भेज दी, सारी चीज़ भेज दी, मेरी सारा सामान उन्होंने जब्त कर लिया। मुझे 1.5 महीने बाद वो लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं, मुझे अपने पति से भी नहीं मिलने दे रहे हैं, ना मुझे घर में रख रहे हैं, मुझे घर में नहीं आने दे रहे, घर में नहीं बढ़ने दे रहे, मुझे घर से बाहर निकालना, मारपीट करते मेरे साथ। कहते 2 लाख रुपये लेके आओ तब तो हम घर में रखेंगे। दूसरी शादी थी आपकी? हाँ, मेरी दूसरी शादी थी। कौन से थाने का मामला है ये? लालपुर से थाने का मामला है। अब अधिकारी से मिलो, क्या बोल रहे हैं वो? अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे, अधिकारी बस यही बोल रहे हैं कि हम मतलब कार्रवाई करेंगे। आज से 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले मैंने लालपुर थाने में भी एप्लीकेशन दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं उम्मे सलमा का पति मुशर्रफ जब कई साल बाद सऊदी से लौटा तो सलमा को ये कहकर 3 तलाक दे दिया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। उम्मे सलमा के वकील ने यह जानकारी दी। 8 साल बाद वापस आके इस लड़की को ना कुछ बच्चा दिया ना कुछ, दूसरी शादी कर रहा है। इसके घर आया 18 तारीख को, कहने लगा मेरे को तलाक चाहिए, तो इसे तलाक। मैं नाम है, यहाँ पर आए, क्या मामला बताइए? मैं एडवोकेट हूँ। ये लड़की है, इसकी शादी 2012 में हुई थी, 2013 में इसके ये बच्ची है बेचारी 8-7 साल की, ये पैदा हो गई। इसका हस्बैंड 2014 में सऊदी अरब चला गया, सऊदी अरब से इसको ना कभी कोई खर्चा भेजा ना कुछ भेजा। अब वो आया इसके पास, कहने लगा मेरे को दूसरी शादी करनी है, या तो इजाज़त दे दो नहीं तो तलाक दे दो। जब इसने विरोध करा तो उसने 3 बार इसको तलाक 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 कह दिया, और ये अपने घर रह रही है तब से, मतलब बच्ची को भी पाल लिया, अपने साथ रह रही है, वो दूसरी शादी कर रहा है। मतलब अब क्या मांग है? और मांग यह है कि उसका पासपोर्ट है, उसका पासपोर्ट जब्त करे पुलिस और इसको इंसाफ दिलवाए लड़की। कौन से थाने का मामला है? मुरली थाने का मामला है। ये मुरली थाने में गई, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज साहब के यहाँ आई है तो इन्होंने प्रार्थना पत्र लेके इन्होंने जो भी आदेश किया है वो। अगर बात करें शराबी पति की तो ऐसे ही एक युवक दुष्यंत पाल शराब के नशे में पत्नी रेखा को खूब मारता पीटता है। परेशान रेखा इंसाफ के लिए SSP ऑफिस पहुंची। सुनिए रेखा से मिली जानकारी। ना मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या मामला हुआ आपके साथ बताइए? जी, मेरे पति ने रात को आकर ना शराब, मैं तो सो रही थी, मैं खाना बना रही थी, खाना बना देके उन्हें सोने लगी, तो सोने के बाद मुझे रात को लेके छत पर ले जाकर मेरा खूब बजाया थी, बेल्ट बजाई दारू के नशे में, और मेरा डंडे बजाए, नुकाया थे मुझ पर गंदे आरोप लगावा थी, नुकाया दहेज ला अपने घर से पैसे ला मांग के, उस पर कर्जा हो रहा था, नुकाया अपने घर से पैसे ला, मेरे से चैन भी ले लीजिए, चैन भी मेरी गिरवी रख दी, मेरे सारे पैसे ले लिया घर में, जितने भी मैं काम पार्लर चलाऊँ तो पार्लर के पैसे वैसे सब ले लिया मेरे से। कितने समय पहले शादी हुई थी आपकी? 13 साल हो गए। थाना पुलिस से शिकायत की आपने? अभी करी थी, पहले तो मैं करती नहीं थी घर की इज्जत की वजह से। आप अधिकारी के पास मिलने के लिए आए हो? हाँ जी।